सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमले किए, बोले बैंकों में घोटाले करोड़ों में हुए, इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है। नीरव मोदी, ललित मोदी भाजपा की रजामंदी से विदेश गए हैं। भाजपा शासित राज्यों में करोड़ों में घोटाले हुए, आजादी के बाद मोदी सरकार सबसे बड़ी घोटाले की सरकार बन गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा की सरकार को बताया लीकेज वाली सरकार, उन्होंने कहा कि भाजपा में हर चीज लीक हो जाती है, इसलिए इस सरकार का नया नाम लीकेज सरकार होना चाहिए। भाजपा में घोटालों की बाढ़ आ गई है, ऐसे में भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त देश की बात कैसे करती है। केंद्र सरकार कंपनियों से आम आदमी के जेब पर डलवा रही डाका, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल सस्ता होने के बाद भी यहाँ पेट्रोल के दामों में लगी है आग। चिक्की खनन, रफेल युद्धक और बैंकों में केंद्र सरकार ने किया है अरबों का घोटाला। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नरसिंह मिश्रा, पितेंद्र ओझा, पंडित श्याम किशोर शुक्ल, रोहित शुक्ल, डॉक्टर नीरव त्रिपाठी, कपिल द्विवेदी, डॉक्टर प्रशांत शुक्ल समेत अन्य कांग्रेस जन मौजूद रहे। सवाल बहुत से लोग, बहुत से यात्री
चालीसा साल से शिकायत कर रहे हैं, अपनी उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं, इसमें किसी दूसरे की कहने की गुंजाइश क्या रह जाती है। उपेक्षित है कभी तो वो कह रहे हैं कि हमारी उपेक्षा हो रही उत्तर प्रदेश सरकार, और इसीलिए उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को